अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त जो है वो टॉपिक लेके आया जिसके ऊपर अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो आपने करना क्या, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करके अपनी एक वीडियो बनानी, वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करें, देखिए उसके ऊपर आप मिलियंस में व्यूज लेकर काफी ज्यादा और काफी जल्दी आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, सामने आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैंने कुछ लिख के सर्च किया हुआ है कि मोबाइल रिव्यूज, तो आप मोबाइल रिव्यूज के ऊपर अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। उसके लिए जो है वो आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, वीडियो को बनाना है, वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करनी है और इससे काफी ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से आपने इसके ऊपर काम करना है, इंशाल्लाह आगे वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से जो है वो वीडियो कैसे बनानी है, कैसे आपने डाटा कॉपी पेस्ट करना है और आपने एक जबरदस्त वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करनी है और उससे काफी ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जो है वो बहुत ही फायदेमंद लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी और इंशाल्लाह इससे आप काफी ज्यादा अर्निंग कर सकेंगे। ठीक है जी, वीडियो को फर्दर आगे लेके चलने से पहले मैं बताता चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि मोबाइल रिव्यूज मैंने लिख के सर्च किया है, इसके ऊपर काफी ज्यादा यूट्यूब के ऊपर चैनल बने हुए हैं और काफी ज्यादा लोग इस पे व्यूज लेकर और काफी ज्यादा इससे अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आपने करना क्या, आपने करना यह कि कोई भी मॉडल जो नया आता है किसी भी कंपनी का, आपने उस मॉडल की जो है वो स्पेसिफिकेशन को गूगल पे सर्च करना है, सर्च करके आपने उसको जो है वो कॉपी पेस्ट करके वीडियो को बना लेना है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है, आपने ये मैं कुछ पिक्चर्स मैंने इसकी डाउनलोड की हैं, यहाँ पे मैंने सर्च किया जी ओप्पो F21 प्रो प्राइस इन पाकिस्तान। अगर आप किसी भी कंट्री से, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं या नेपाल वगैरह किसी भी कंट्री से, तो आपने अपने जो है वो कंट्री के हवाले से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके मीन कि इसका नेम आपने कंट्री का अपना लिख लेना है, फिर आपने इसको सर्च करना है। ये देखें जी, एक इसकी मैंने स्पेसिफिकेशन की वेबसाइट ओपन की है, यहाँ पर मुकम्मल स्पेसिफिकेशन बताई जा चुकी है इसकी कि जो है वो कितने जो है वो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इसकी फ्रिक्वेंसी की डिटेल इसमें बताई गई है, उसके अलावा प्रोसेसर, डिस्प्ले, मेमोरी, कैमरा की डिटेल्स में बताई गई है कि आप आसानी से इसको कॉपी पेस्ट करें और वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करें। अब आपने वीडियो किस तरीके से बनानी, उससे पहले मैं आपको कुछ चैनल यूट्यूब के ऊपर दिखाता चलूं जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। आप देख रहे होंगे कि ये देखें मोबाइल के ऊपर जो है इन्होंने चैनल बनाए और काफी अच्छे जो है वो व्यूज लिए हुए हैं। एक नया चैनल मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान में, जो ये भाई नंबर वन पे जा रहे हैं जो मोबाइल रिव्यूज के वाले से लोगों को बताते हैं, कोई भी नया मोबाइल आता है उसके बारे में जो है वो लोगों को बताते हैं, उसके बारे में आगाह करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये वाला मॉडल जो है इसमें क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और कितनी प्राइस में ये अवेलेबल है पाकिस्तान में। ठीक है जी, उसके बाद ये एक नया चैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये भी यूट्यूब का चैनल देख रहे होंगे कि ये भी मोबाइल रिव्यूज के वाले से है। उसके बाद ये एक और चैनल, ये भी मोबाइल रिव्यूज के वाले से। तो आपने भी सेम ऐसा ही अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, अच्छे से थंबनेल बनाने हैं और वीडियो कॉपी पेस्ट करके आप देखिएगा इससे काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने वीडियो को जो है वो किस तरीके से बनाना है। तो चलता हूँ मैं सीधा गूगल के ऊपर, यहाँ पे देखें जी आपने सर्च कर लिया। ठीक है जी, ये हम एक मॉडल हमने चूज किया, हम इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाने जा रहे हैं जी ओप्पो F21 प्रो प्राइस इन पाकिस्तान। तो हमने करना ये जी, हम आ जाते हैं जी फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में। इस सॉफ्टवेयर का सेटअप अगर आपके पास नहीं है, अब आसानी से गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर फिर भी नहीं आपको अवेलेबल होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो है वो सॉफ्टवेयर का लिंक फिल्मोरा 9 का आपको जो है वो अवेलेबल कर दूंगा। ये क्रैक वर्जन है, मीन के ये रजिस्टर्ड वर्जन, आपने जस्ट इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, इसके अंदर आप वीडियो को जो है वो बना सकते हैं। अब आपने वीडियो कैसे बनानी है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ ये कि यहाँ पे मैं सबसे पहले उस मोबाइल, जिस मोबाइल का आप रिव्यू देना चाह रहे हैं, आपने उस मोबाइल की दो तीन पिक्चर्स को जो है वो अपने पास यहाँ पे डाउनलोड कर लेना जी। ठीक है जी, ये मैंने गूगल से डाउनलोड की है, आपने भी इस तरीके से गूगल पे लिख के वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले इस वीडियो को जो है वो ऐड करता हूँ और दूसरे नंबर पर मैं इस पिक्चर को ऐड करता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। सबसे पहले वाली पिक्चर के ऊपर आपने ये है कि स्क्रीन को जो है मुकम्मल फिल कर लेना है, जितनी भी जो है वो आपकी स्क्रीन, आपने HD पिक्चर जो है वो अच्छे रेजोल्यूशन वाली पिक्चर्स को जो है वो डाउनलोड करना है। ठीक है जी, तो यहाँ से आप इसको मुकम्मल फिट स्क्रीन के ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने वीडियो बनानी है और वीडियो के ऊपर बाद में आप इसके ऊपर वॉइस ओवर करके इसके स्पेसिफिकेशन को बता के आप जो है वो काफी ज्यादा इसे अर्निंग कर सकते हैं वीडियो बना के। अब मैं वीडियो आपको जस्ट प्ले करके दिखाता हूँ कि हमने जस्ट ये बनाया जी ओप्पो F21 प्रो, इसका जो हम आगे स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे। ये देखें, यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसके अंदर हमारी दो पिक्चर लगाने से वीडियो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ कि आपने करना क्या जी, मैं यहाँ पे आपने टाइटल्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे टाइटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइटल्स की ऑप्शन आ रही है, आपने ये वाला टाइटल जो है वो सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है। ठीक है जी, हम थोड़ा सा कोशिश ये करते हैं कि ये वाली पिक्चर को थोड़ा सा आगे ले आते हैं और इस वाली पिक्चर को भी थोड़ा सा हम आगे ले आते हैं। और ये जो टाइटल वाला हमारा पिक्चर है
इसको हम उठा के सबसे फर्स्ट नंबर पे ले जाते हैं ताकि यहाँ पे हम लिख सकें ओप्पो F21 स्पेसिफिकेशन, ओप्पो F21 ठीक है जी। ये हमने वीडियो जो है वो आप अगर बैकग्राउंड कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं ठीक है जी। आप यहाँ पे जो राइटिंग हुई है अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये देखें जी, थोड़ा सा ज़रा ये स्टाइलिश आ जाता है, आप इसको भी जो है वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर आप और कलर करना चाहते हैं तो ये मैं ये एक और कलर को जो है वो इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, आप इसको जो है वो डिज़ाइन अपने हवाले से इसका सेट कर सकते हैं ठीक है जी। यहाँ पे हम ओके के बटन पे क्लिक करते हैं जी। अब मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, देखिए जी जैसे हमारी वीडियो स्टार्ट होगी आप इसके ऊपर बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी चला सकते हैं, अगर आप अपनी वॉइस में जो है वो वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने करना है क्या जी, हम सबसे पहले हमारे पास वीडियो में आया जी, हमने बताया जी ओप्पो F21 स्पेसिफिकेशन ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है जी ओप्पो F21 प्रो, इसकी हमने एक पिक्चर लगा दी, उसके बाद हमने इसकी एक और पिक्चर लगा दी है। अच्छा नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट आपने ये करना है कि हम एक और टाइटल जो है वो इसके आगे ड्रॉप करते हैं, उसमें जो है वो हम इसकी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। आपने करना है कि आपने जस्ट आना है यहाँ पे जहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन आ रही है, आपने स्पेसिफिकेशन को कॉपी करना है, कॉपी करके आपने उसके अंदर जो है वो पेस्ट कर देना है ठीक है जी। मैं यहाँ से इसको जो है वो सबसे पहले इसको कर लेता हूँ जी कॉपी, आपने सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने इसको डबल क्लिक करके आपने इसका फॉन्ट थोड़ा सा जो है वो छोटा कर लेना है, हम इसको जो है वो 30 कर लेते हैं जी ठीक है जी। हम इसके फोन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये हम 24 कर लेते हैं ठीक है जी। यहाँ पे हम ओके करके हम यहाँ पे बैक स्पेस में जाता हूँ जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी बिल्ड, जैसे आपको वहाँ पे लिखा मिला था मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है जी बिल्ड, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने बिल्ड के बाद यहाँ पे एंटर करना है जी, एंटर करके डॉट डाल के एंटर करना है, एंटर करके आपने कंट्रोल वी कर देना है। आप ये इन्फॉर्मेशन देख रहे होंगे कि मुकम्मल आपको एक स्क्रीन, आप इसको जो है वो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, इसके फ़ॉन्ट को भी आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको 28 कर लूँ, थोड़ा सा जो है वो ये पढ़ा जाए, ये देखिए इस तरीके से आपने इसकी इन्फॉर्मेशन लगा दी है ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, अब मैं वीडियो को दोबारा प्ले करता हूँ, ये देखें जी सबसे पहले हमारे पास आता है जी हम कौन सा मोबाइल उसकी स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, उसके बाद जो है मोबाइल की आपने 2 से 3 पिक्चर्स लगा देनी है, पिक्चर्स अच्छी सी आपने अच्छी रेजोल्यूशन की पिक्चर्स लगानी है। आप ये वीडियो मुकम्मल देखने, इसके बैकग्राउंड पे आप अपना वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, जैसा कि अब ये देखें स्पेसिफिकेशन आई तो आप बोल के बता सकते हैं एंड्रॉयड 12 OS इसका सिस्टम है, कलर OS 12.1 है, इसकी डायमेंशन ये है, इसका वेट जो है वो 175 ग्राम, इस तरीके से आप वॉइस ओवर करके डिटेल भी बता सकते हैं। अच्छा बैकग्राउंड पे भी आप इसकी अच्छी सी पिक्चर लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से अब आपने एक और टाइटल जो है वो ड्रॉप करना है, आपने पहले इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से हम यहाँ पे कॉपी करते हैं जी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है जी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कॉपी करने के बाद आपने एंटर करना है, एंटर करके आप यहाँ पे इसकी जो है वो डिटेल को आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है जैसे हमने पहले किया था जी। इतनी इन्फॉर्मेशन आप ये काम मोबाइल पे भी कर सकते हैं, मोबाइल में आप काइन मास्टर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आसानी से इसके ऊपर भी जो है वो काम कर सकते हैं, वो भी आप ज़बरदस्त वीडियो रेडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कैसे कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे सीखना चाहते हैं तो मोबाइल के ऊपर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप मोबाइल पे भी जो है वो इसकी सेटिंग आसानी से कर सकते हैं ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसकी 32 कर देता हूँ जी इन्फॉर्मेशन को, मैं वापस यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप इसकी जो है रेजोल्यूशन, इसकी जो है पिक्चर को थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हैं जी, यहाँ से इसको पकड़ के फ्रीक्वेंसी को देखें या बड़ा रहने दें, बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसकी उसको जो है वो आप छोटा कर दें। यहाँ पे मैं करके इसकी इन्फॉर्मेशन को कर सकते हैं हम, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके जो कुछ आ रहा है मैं यहाँ पे एंटर करके इन्फॉर्मेशन नीचे ले आता हूँ जी। इसकी सेटिंग आपने अपने हिसाब से करनी है, देखें अब पढ़ा भी जा रहा है, तो इस तरीके से आपने इसकी जो है वो मुकम्मल डिटेल इसके अंदर मेंशन कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से आपने वीडियोस को बनाना है। मैं दोबारा इसको प्ले करता हूँ जी, थोड़ा सा बैक करके जहाँ पे हमारे मोबाइल की ये पिक्चर आ रही है ठीक, इस पिक्चर के बाद देखें जी हमारे पास बिल्ड सिस्टम ये आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन आप देखिएगा फ्रिक्वेंसी की आ रही है। मैं फिर बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड पे जो कलर ब्लैक आ रहा है आप इसको भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने मुकम्मल वीडियो बनानी है, उसके बाद आप यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करके इसके बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी लगा सकते हैं, अगर आप अपनी वॉइस
जो है वो इसके ऊपर नहीं लगाना चाहते, आप खुद बोल के नहीं बताना। बेहतर तो ये है कि अगर आप अपनी वॉइस को यूज करें बैकग्राउंड पे, आप खुद बोल के बताएं कि इसका कैमरा इतना है, इसकी जो है वो मेमोरी इतनी है, इस हिसाब से जो है वो आप खुद बोल के इन्फॉर्मेशन को आप बताएं। अदरवाइज आप बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम म्यूजिक इसके ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले करूंगा तो आप म्यूजिक की आवाज उम्मीद है कि सुन सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बैकग्राउंड पे म्यूजिक चल रहा है। कोई भी म्यूजिक आप यूट्यूब ऑडियो जो है वो लाइब्रेरी से डाउनलोड करके इसके ऊपर म्यूजिक भी लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप इस तरीके से मुकम्मल डिटेल आ रही है। आप मुकम्मल इस वीडियो को जितना लेंथी करना चाहते हैं, अगर आपने ये जो पिक्चर लगाई है आप इसका टाइम या इसका दुरानियां बढ़ाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये पिक्चर जो है वो इतने सेकंड तक चले, तो आप इस पिक्चर का टाइम भी बढ़ा सकते हैं। अपनी वीडियो की लेंथ के हिसाब से आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो आप अगर खुद वॉइस ओवर करेंगे तो वो सबसे बेस्ट है कि आप बता भी सकते हैं कि यार ये चीज़ इतनी जो है वो ये अच्छी चीज़ है, और ये जो है वो प्राइस में इतनी में ये इसका कैमरा बहुत अच्छा मिल रहा है, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी मिल रही है, रैम बहुत अच्छी मिल रही है, तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये मोबाइल परचेज करें या ना करें। इस तरीके से आप रिव्यू देकर, जैसे ये लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो आप भी ऐसा अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है, मोबाइल की इन्फॉर्मेशन को गूगल से लेना है, कॉपी पेस्ट करके आपने उसके ऊपर रिव्यू देकर काफ़ी ज़्यादा आप इसे अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से वीडियो बनाने का तरीका भी बता दिया, इन्फॉर्मेशन कैसे गेट करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें, एक मोबाइल एक्सपर्ट बने, उससे देखिएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो जब आप वीडियो को मुकम्मल कर लें तो ऊपर ये एक्सपोर्ट का बटन आ रहा है। आपने इस वीडियो को अपने कंप्यूटर में ही, अपने पीसी में ही, अपने लैपटॉप में कैसे करना है, एक्सपोर्ट पे एक बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे अपने सिस्टम का पाथ पूछ रहा है कि आपने ये कहाँ पे सेव करनी है। आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें या आप किसी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, आप वहाँ पे सेव करके इस वीडियो को जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को जब आपके सिस्टम में है आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें, और इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। खास तौर पे वो मेरी बहनें माएँ जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती जॉब के लिए, वो इस तरीके से घर बैठ के काम कर सकती हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।